हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CTI या CITS के प्रवेश परीक्षा के फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये सेट नंबर 20 रहने वाला है और इसमें क्वेश्चंस की संख्या 25 रहने वाला है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला सेट नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंगल प्लेट की धातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। यानी कि जो एंगल प्लेट जो होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है, तो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एंगल प्लेट का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि जो एंगल जो प्लेट होता है वो दो ग्रेडों में पाया जाता है। कौन कौन सा ग्रेड में पाया जाता है, तो ग्रेड वन और ग्रेड टू में पाया जाता है। कौन, तो एंगल प्लेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंगल प्लेट कोण में बनी होती है। यानी कि जो एंगल प्लेट होता है वो कितने कोण में बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री के कोण में बनी होती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एंगल प्लेट का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि एंगल प्लेट प्रयोग, यानी एंगल प्लेट का प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंगल प्लेट साइज में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबरों। यानी कि जो एंगल प्लेट होता है वो नंबरों के साइज में पाई जाती है। फिगर में देख सकते हैं एंगल प्लेट का फिगर दिया गया है। अब एंगल प्लेट से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि एंगल प्लेट में जो रिब लगा हुआ होता है वो एंगल प्लेट को टूटने से बचाने के लिए लगा हुआ होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है गेज प्रायः धातु से बनाई जाती है। यानी कि जो गेज होता है वो किस धातु से प्रायः बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलॉय स्टील। यानी कि जो गेज होता है वो प्रायः एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि फीलर गेज सेट में पाई जाती है, यानी कि सात, यानी कि जो फीलर जो गेज होता है वो सात सेटों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब चेक। यानी कि वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये वर्कशॉप गेज का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि वर्कशॉप में गेज को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, टेलीस्कोपिक गेज एक प्रकार का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मापी गेज है। यानी कि जो टेलीस्कोपिक जो गेज है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज है। इस फिगर में देख सकते हैं ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये टेलीस्कोपिक गेज का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि इस गेज का प्रयोग अंदरूनी साइजों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है, किसका, तो टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, स्लिप गेज धातु के बने होते हैं। यानी जो स्लिप जो गेज होता है वो किस धातु के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल स्टील। यानी कि जो स्लिप गेज जो होता है वो टूल स्टील का बना हुआ होता है। इस फिगर में देख सकते हैं ये स्लिप गेज का फिगर दिया गया है। अब स्लिप गेज से भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। ये सामान्यतः किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो ये क्रोमियम स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का भी बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, स्लिप गेज को भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेज ब्लॉक। यानी कि जो स्लिप गेज है इसे गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। स्लिप गेज का फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे स्लिप गेज सीट में पाई जाती है,
तो कौन कौन से सेट में पाई जाती है, तो एक होता है वर्किंग गेज सेट में भी पाई जाती है, इंस्पेक्शन गेज सेट में भी पाई जाती है, मास्टर गेज सेट में भी पाई जाती है। यानी ये तीनों जो दिया गया है ये सेट दिया गया है किसका, तो स्लिप गेज का सेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मास्टर गेज की परिशुद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0001 mm होता है किसका, तो मास्टर गेज की परिशुद्धता। इस फिगर में देख सकते हैं ये मास्टर गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि जो इंस्पेक्शन जो गेज है इसकी परिशुद्धता क्या है, तो 0.001 mm इसकी परिशुद्धता होती है। और जो वर्किंग गेज जो होता है उसकी परिशुद्धता क्या होती है, तो इसकी परिशुद्धता होती है 0.01 mm इसकी परिशुद्धता होती है किसकी, तो वर्किंग गेज की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टेलीस्कोपिक गेजों के द्वारा तक माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.7 mm से 152.4 mm तक माप ले सकते हैं किसके द्वारा, तो टेलीस्कोपिक गेजों के द्वारा। इस फिगर में आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक गेज का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हैक्सोइंग करते समय ब्लेड को ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलेंट, यानी कि हैक्सोइंग करते समय कूलेंट का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो ब्लेड को ठंडा करने के लिए करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि हेक्सा ब्लेड का जो फ्रेम होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है, तो वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हेक्सा ब्लेड का साइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक छिद्र के केंद्र से दूसरे छिद्र के केंद्र तक लिया जाता है किसका साइज लिया जाता है, तो हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। इस फिगर में देख सकते हैं आप ये हेक्सा जो फ्रेम एक भी दिया है, ये हेक्सा ब्लेड दिया है, तो ये जो हेक्सा ब्लेड दिया गया है इसी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि इसी के साइज के बारे में बात किया जा रहा है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि जो हेक्सा जो ब्लेड होता है उसका लंबाई कितना होता है, तो 250 से 300 mm इसकी लंबाई होती है किसकी, तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, छेनी एक प्रकार का औजार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिंग टूल, यानी कि जो छेनी जो है यानी कि जो चीजल है वो क्या है, तो एक प्रकार का कटिंग टूल है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि चीजल का जो आकार होता है यानी कि जो छेनी होता है उसका आकार कैसा होता है, तो अष्टभुज आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑडलेग कैलिपर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक टांग, यानी कि ऑडलेग जो कैलिपर्स है इसकी एक टांग अंदर की ओर 45 डिग्री मुड़ी होती है तथा दूसरी टांग सीधी व नुकीली होती है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि ऑडलेग जो कैलिपर्स है इसको जेनी कैलिपर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अर्धचालक के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो दोनों हैं ये क्या है, तो अर्धचालक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर पर फिट किया जाता है, यानी कि सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को 106 सेंटीमीटर ऊंचाई पर फिट किया जाता है। अब बेंच वाइस से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि इसका पहला पॉइंट है बेंच वाइस का प्रयोग उन कार्यों को अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है जिन पर प्रायः फाइलिंग, चिपिंग, हैक्सोइंग आदि ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन आर्क से किन किन धातुओं को वेल्ड किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम, यानी कार्बन आर्क से कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम इन धातुओं को वेल्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एंगल प्लेट पर किसके लिए स्लॉट बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्टों को स्थान देने के लिए, यानी कि एंगल प्लेट पर बोल्टों को स्थान देने के लिए उस पर क्या होता है, तो स्लॉट बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्क्राइबर के पॉइंट कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 डिग्री टू 15 डिग्री, यानी कि 12 डिग्री से 15 डिग्री होते हैं स्क्राइबर के पॉइंट का कोण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मूंज मेटल में होता है कॉपर वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक, यानी कि जो मूंज जो मेटल जो होता है उसमें क्या क्या होता है, तो एक होता है कॉपर, एक होता है जिंक, ये दोनों मूंज मेटल में होते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे रोल्ड जो गोल्ड जो होता है, रोल्ड गोल्ड, उसमें क्या क्या होता है, तो कॉपर और एल्युमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्टेनलेस स्टील एलॉय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकल, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील है वो किसका एलॉय है, तो क्रोमियम और निकल का एलॉय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गन मेटल में होता है कॉपर, टिन और, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक, यानी कि जो गन मेटल होता है उसमें क्या क्या होता है, तो एक होता है कॉपर, एक होता है टिन, एक होता है जिंक, यानी कि इन तीनों को मिलने से क्या बनता है, तो गन मेटल बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ड्रिल का साधारण कटिंग एंगल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 डिग्री, यानी जो ड्रिल होता है उसका साधारण कटिंग एंगल कितना होता है, तो 118 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वार्म थ्रेड का एंगल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 डिग्री, यानी कि जो वार्म जो थ्रेड होता है उसका एंगल कितना होता है, तो 29 डिग्री इसका एंगल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रबर के लिए ड्रिल का कटिंग जो एज होता है वो बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि रबर के लिए जो ड्रिल का जो कटिंग एज होता है वो 80 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।